हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर हीरो कैरेक्टर जिसकी थोड़े वीकनेस के बारे में, थोड़ी नेगेटिविटी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वेनम नाम के एक सुपर हीरो कैरेक्टर के बारे में जो बहुत ही पावरफुल है। और वेनम एक ऐसा क्रिएचर है जो इंसान को अपनी होस्ट बना लेता है और उससे काफ़ी सारी पावर देती है, जिससे कि वो इंसान और वेनम एक साथ मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल सुपर हीरो कैरेक्टर बना देती है, जिसको कहते हैं वेनम। तो इस वेनम की जो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है वो है हीलिंग फैक्टर। मतलब अगर आपने वेनम की मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक सीन है जब जो होस्ट होता है एडी ब्राउन, तो एक्चुअली उसका नाम एडी ब्राउन नहीं है, एडी ब्रॉक है, ठीक है। तो एडी ब्रॉक का जो है बहुत सारे पैर, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उसको, फिर भी वेनम के वजह से वो सारे चीज़ कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है वेनम की। और इसके अलावा भी, मतलब वेनम जो कैरेक्टर है जिसको मतलब बहुत जल्दी मारा नहीं जा सकता, जख्मी नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको चोट पहुँचाना, पर वेनम की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो वीकनेस बहुत सारे जगह पे नोटिस होती है और बहुत सारे जगह पे उसको कमज़ोर भी बना देती है। और वो ये है कि हेवी साउंड जो है वो वेनम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। मतलब वेनम को अगर आप कोई भी बहुत ही ज़्यादा साउंड वाले जगह पे छोड़ दोगे तो वेनम एक मिनट भी नहीं टिकेगा किसी के सामने। और ये वीकनेस का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने कॉमिक बुक सीरीज भी फॉलो किया होगा, आपने स्पाइडरमैन मूवी भी देखा होगा स्पाइडरमैन 3 में, तो वहाँ पर भी वेनम कैरेक्टर की बहुत बुरी हालत हुई थी जब स्पाइडरमैन ने मेटल को ऐसे रिंग में गोल करके एक साउंड किया था जिससे वेनम की फट गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो वेनम का जो कैरेक्टर है वो टॉम हार्डी ने प्ले किया है और कहना पड़ेगा मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आपने वेनम की पार्ट 1 मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी मूवी को बनाया गया है। और उसमें जो वेनम का और अपना होस्ट मतलब एडी ब्रॉक का, मतलब जिसको टॉम हार्डी ने प्ले किया है, आप उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखोगे उस मूवी में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब उन दोनों के बीच में जो नोक झोंक चलता रहता है, जिस तरीके से वो मूवी को बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और ये तो समझ में ज़रूर आता है इस मूवी से कि ये जो क्रिएचर है इसको हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है, बिना होस्ट के वो अर्थ पे ज़िंदा नहीं रह सकता। बेसिकली वो एक क्रिएचर है जो दूसरे, मतलब दूसरे दुनिया से आई हुई है, मतलब थोड़ा एलियन टाइप है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी तो इसका जो नेगेटिविटी था मैंने बता दिया है। बाकी बहुत ही बैडास कैरेक्टर है, अभी तक जिन लोगों ने वेनम मूवी देखी नहीं होगी उनको देखना चाहिए यार। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगले टॉपिक।